किसी भी मंत्री के पास बिहार सरकार में ताकत भी नहीं है अब कि वो ट्रांसफर पोस्टिंग भी अपने दम पर करा ले। नीतीश कुमार जो नई राजनीति उन्होंने चली, उन सभी को उन्होंने अपने साथ दलित वोट बैंक को सेंधमारी करने को लेकर लाया। वहीं भाजपा भी अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ एजेंडे पका रही है। अब चिराग पासवान ने जिस तरह से नीतीश कुमार के खिलाफ खुलेआम जो बिगुल फूंक दिया है, रणभेदी फूंक दी है, इसके कारण नीतीश कुमार की समस्याएं बिहार में बढ़ गई। खबरों का बाजार हमेशा गर्म रहता है। इन गर्म बाजारों से हमें मतलब नहीं है। हम खबरों का बाजारीकरण नहीं करना चाहते। हम उन खबरों की तह तक पहुंचना चाहते हैं जिन खबरों की वजह से आपके जीवन पर असर पड़ता है। हम खबरों का पंचनामा करते हैं। महत्वाकांक्षा और लालच में बहुत पतली सी एक लाइन होती है जिसे अगर आप पार कर जाएंगे तो आपको घाटा होना तय है। महत्वाकांक्षी होना गलत नहीं होता है। अगर महत्वाकांक्षी इंसान नहीं होता तो वो ना आग पर काबू कर पाता और ना ही आज स्पेस के यानी ब्रह्मांड के रहस्यों को जान पाता। आज इंसान घरों में रहता है, एक सिविलाइजेशन के चरम पर है। ये इसलिए है क्योंकि मनुष्य महत्वाकांक्षी था और उसने सवाल पूछे और उन सवालों का जवाब उसने खुद सही ढूंढा। लेकिन राजनीति में महत्वाकांक्षाएं लालच में बदल जाती हैं और लालच कितना भारी पड़ता है वो तो लोमड़ी की कहानी से लेकर महाभारत तक आपने सब देखा है। लालच की परिभाषा ना बताने जाऊंगा और ना ही आपको ये बताऊंगा कि लालच से घाटा किसको कब क्या हुआ है। आप सब कुछ जानते हैं। सीधे तौर पर आपका स्वागत पंचनामा में कर रहा हूं और आज जो खबर हेडलाइन देखकर आप आए हैं आपको लगभग अंदाजा लग गया होगा कि क्या होने वाला है, मैं क्या बोलने वाला हूं। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको नहीं पता है। हमने आपको शुरू में भी बताया है, पंचनामा के अलग अलग एपिसोड्स में मैंने कुछ कुछ बातें रखी हैं जो अब आकर कहीं ना कहीं आपस में जुड़ रही हैं और ये साबित कर रही हैं कि नीतीश कुमार को ऐसी बीमारी हो गई है जो बीमारी राजनीतिक बीमारी जो ठीक नहीं हो पा रही है और नीतीश उसके लिए हर दर पर मत्था टेक रहे हैं। फिलहाल परिस्थितियां ऐसी है कि जितना षड्यंत्र नीतीश कुमार को हटाने के लिए चल रहा है उतना शायद नरेंद्र मोदी को भी हटाने के लिए पूरे देश में नहीं हो रहा होगा। नीतीश कुमार के अपने भी उन्हें बाहर करना चाहते हैं, चाहे भाजपा हो या चिराग पासवान। अगर महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन का निर्माण ही नीतीश कुमार को बिहार से उखाड़ने के लिए हुआ था। अब देखिए ना, महागठबंधनों का दौर जब शुरू हुआ था तो दिल्ली में कहीं ना कहीं सारे दल नरेंद्र मोदी को उखाड़ने के लिए जुटे थे जिसमें नीतीश कुमार भी थे। लेकिन उसके बाद नीतीश कुमार के चलते वो तो काम नहीं कर पाई। लेकिन बिहार में आने के बाद नीतीश कुमार जो गठबंधन बनाया था भले ही वो खुद उससे हट गए लेकिन वो गठबंधन बदस्तूर चल रहा है और वो पूरे देश के लिए एक इशारा है, राजनीतिक इशारा। भाजपा भी इस बात को समझ चुकी है, इसलिए भाजपा इन गठबंधनों को, इन सारे दलों को एकजुटता को तोड़ने के लिए पोस्ट पोल अलायंस का सहारा लेना शुरू कर चुकी है। नीतीश कुमार को भी बिहार के संदर्भ में इस बात का डर है। मीडिया जगत के लोग भी लगातार ये बातें कह रहे हैं। हमने भी आपको बताया कि हरियाणा की घटना बिहार में रिपीट हो सकती है। जिस तरह से महाराष्ट्र में सरकार बनते बनते हाथ से निकल गई, भाजपा इससे भी डरी हुई है और नीतीश कुमार को डर इस बात का है कि कहीं भाजपा उनके अलग हटकर उनसे सरकार बनाने की जुगाड़ कर लेती है तो नीतीश की राजनीति ही समाप्त हो जाएगी। क्योंकि एक तरफ जहां नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव रिप्लेस करने के लिए अपनी पूरी एड़ी-चोटी लगाए हुए हैं, वहीं भाजपा भी अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ एजेंडे पका रही है। अब चिराग पासवान ने जिस तरह से नीतीश कुमार के खिलाफ खुलेआम जो बिगुल फूंक दिया है, रणभेदी फूंक दी है, इसके कारण नीतीश कुमार की समस्याएं बिहार में बढ़ गई। लेकिन नीतीश कुमार की ये जो समस्याएं हैं इसके बढ़ने का कारण क्या है? देखिए, नीतीश कुमार जब भाजपा से अलग थे तब उन्होंने मुसलमानों पर खास तौर पर अपनी जो कहा दया दृष्टि बढ़ाई थी। कहा गया कि तुष्टिकरण करके नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में हमेशा के लिए स्थापित रहेंगे क्योंकि बिहार में MY समीकरण है। अगर मुसलमानों का एक बड़ा वोट बैंक अपने पास आप कर लेते हैं
तो आपको सत्ता से हटाना मुश्किल होगा। कई कालांतर में इस वोट बैंक पर कांग्रेस ने अपना आधिपत्य जमाया और कांग्रेस काफी दिन तक सत्ता में रही। उसके बाद फिर लालू प्रसाद यादव आए, उन्होंने भी नहीं अपने यादव के समीकरण में मुस्लिम को जोड़ा और एमवाई किया और अब उन्होंने मुसलमानों के इस वोट बैंक पर शासन भी किया। बाद में नीतीश कुमार ने कुछ हद तक इस वोट बैंक में अपनी सेंधमारी की। इस दौरान आपको याद होगा कि भाजपा के लोगों से जब उनकी अलगाव हुआ था तो भाजपा ने हर मुद्दे पर उनकी धज्जियां उड़ाई थी। कई बार उन्हें इसरत के अब्बू तक कहा गया। इसरत जहां केस को लेकर, चाहे ट्रिपल तलाक को लेकर हो, ट्रिपल तलाक पर अंतिम समय तक उन्होंने भाजपा का सपोर्ट नहीं किया था जबकि भाजपा के साथ वो थे। लेकिन CA NRC के दौरान नीतीश कुमार ने जो बदलाव दिखाया, इससे उनका वो वोट बैंक खिसक गया। हालांकि वोट बैंक तो तभी खिसक गया था जब 2015 में उन्होंने भाजपा के अलग मैंडेट पाया और 2017 में भाजपा के साथ सरकार बना ली। नीतीश कुमार की इन सिलसिलेवार गलतियों को मुस्लिम समाज समझ गया है, इसलिए उनके साथ वो नहीं है। नीतीश के MLC भी कहीं ना कहीं नीतीश की बहुत सारी बातों से इत्तेफाक नहीं रखते हैं और ऐसी परिस्थितियों में पड़ जाते हैं जिसकी वजह से बलियावी को भी उनके समाज के लोग सवाल पूछने लगते हैं। हालांकि राजनीतिक मजबूरी हो सकती है जिसकी वजह से बलियावी भी नीतीश कुमार के साथ अभी भी टिके हुए हैं। फ्यूचर में क्या होगा वो तो कोई नहीं जानता, लेकिन हाँ, नीतीश कुमार की जो एक राजनीति थी जिसमें मुसलमान उनके बड़े फैक्टर थे, वो खत्म हो चुकी है और नीतीश कुमार इसको लेकर बहुत चिंतित भी नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार जो नई राजनीति उन्होंने चली, कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक चौधरी हो, चाहे श्याम रजक हो या और भी उनके दल के नेता, उन सभी को उन्होंने अपने साथ दलित वोट बैंक को सेंधमारी करने को लेकर लाया था। आपको लगभग पता होगा कि नीतीश कुमार का जो अपनी जाति का वोट प्रतिशत है बिहार में, वो उतना भी नहीं है कि उन्हें मुखिया भी बना सके। लेकिन नीतीश कुमार इसके बावजूद बिहार के मुखिया बने हुए हैं और वो भी 15 सालों से। इसके पीछे उनकी सोशल इंजीनियरिंग है, वो जुगाड़ जिसके तहत वो मौके के साथ समझ जाते हैं कि उन्हें अब किस घोड़े पर दाव लगाना है। और इसी कारण क्रम में उन्होंने दलितों के वोट बैंक पर एक बड़ा आधिपत्य अपना जमाने के लिए दलितों को अपने मंत्रिमंडल में भी शामिल किया, पार्टी में भी शामिल किया और आप देख सकते हैं कि MLC की लिस्ट में भी आपको कई दलित चेहरे दिखे थे। कहा जा रहा है कि आने वाले समय में नीतीश कुमार, देखिए भाजपा के पास सारा वोट बैंक है लेकिन मुस्लिम और दलित का भाजपा के साथ नहीं जा रहे हैं। ऐसे में अगर इन दोनों को नीतीश कुमार साध लेते हैं तो भाजपा के साथ रहते हुए भी अपनी एक अलग छवि बना सकते हैं। और इसी क्रम में उन्होंने भाजपा के काट के तौर पर दलितों को अपने साथ रखा, लेकिन नीतीश कुमार का दलित प्रेम भी उन पर भारी पड़ गया। कालांतर में इसी आरी को काट दिया गया। बताते हैं आपको, पूरी बात बताते हैं आखिर हुआ क्या है। अब वो खबर लग गई होगी श्याम रजक इस्तीफा देना चाहते हैं, कल ही इस्तीफा देना चाहते थे लेकिन सोमवार तक उनका इस्तीफा टाल दिया गया है। मान मनोबल की प्रक्रिया चल रही है लेकिन कुछ इसमें रिजल्ट निकलने वाला है नहीं। सीधे तौर पर कल इस्तीफा उनका गिरना है और इसके पीछे कारण बताया जा रहा है कि श्याम रजक को भाव नहीं दिया जा रहा है। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में भी आपसे पूछा था कि भाव किस तरीके से दिया जाता है, क्या सोने से तोला जाए या चांदी से मढ़वा दिया जाए या हीरे की अंगूठी दी जाए, कैसे भाव दिया सकता है। इस समाज को प्रतिनिधित्व दिया था लालू यादव ने, जब 2009 में इनको लगा कि लालू यादव श्याम रजक को, जब लगा कि लालू यादव नहीं आ पाएंगे तो 2010 में नीतीश की नाव पर सवार होकर मंत्री बने। उसके बाद 2015 में लालू नीतीश एक हो गए और इनको मंत्री पद से भी हाथ से धोना पड़ा क्योंकि लालू इनसे खफा थे। लेकिन खबर यह आ रही है कि नीतीश कुमार के खिलाफ जबरदस्त इनकम्बेंसी चल रही है। माझी जी दूसरे खेमे में है, माझी जी महागठबंधन में बहुत असंतुष्ट है। लेकिन माझी जी के बारे में हमने आपको बताया कि माझी के पास एक ऑप्शन बना हुआ है, श्याम रजक, अशोक चौधरी, अजय आलोक, इन सभी ने माझी जी का वेलकम JDU की तरफ से कर दिया था NDA में। लेकिन आपको बता दें कि भाजपा के लोगों ने माझी जी को सीधे से नकार दिया है कि उन्हें NDA में स्थान नहीं मिलेगा। ऐसे में एक रास्ता निकाला गया कि नीतीश कुमार अपनी पार्टी में विलय करा लेंगे माझी जी की पार्टी का और उसके बाद वो अपने साथ रखकर उन्हें जैसे पुराने तरीके से माझी और नीतीश एक साथ थे वैसे ही साथ चलेंगे और दलितों का जो मुसहर जमाज हो, इन सभी का एक वोट बैंक है, वो उनके पास चलाएगा इस एक झटके में। लेकिन आपको बता दें कि नीतीश कुमार के बारे में श्याम रजक अच्छे से जानते हैं, 2010 से उनके साथ हैं और आज 2020 है तो 10 सालों में नीतीश कुमार को समझ चुके हैं श्याम रजक। 2015 में दूध में पड़ी मक्खी की तरह जब उन्हें निकाल कर फेंका गया था और उनकी विधायकी तक पे खतरा आ गया था, उस सीट पर दावा राजन ने कर दिया था
किसी तरीके से बड़ी मुश्किल से राम रहे अपनी सीट वो बचाई थी, और उन्हें पता है कि फिर से परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं जिसमें मांझी नीतीश कुमार के साथ एक दलित चेहरे के तौर पर आना लगभग तय लग रहा है। इसीलिए उन्होंने अपनी पहले ही रास्ता निकाल लिया बाहर जाने का। शाम के पास तीन मुख्य कारण है नीतीश कुमार को छोड़ने के। एक तो जो कारण वो बता रहे हैं कि उन्हें भाव नहीं दिया जा रहा है, बिल्कुल मंत्री तो बनाया गया है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है जो हमको कल आप बता रहे थे कि सारे मंत्रालयों में नीतीश कुमार ने अपने लोगों को बिठा रखा है और किसी भी मंत्री के पास बिहार सरकार में ताकत भी नहीं है अब कि वो ट्रांसफर पोस्टिंग भी अपने दम पर करा ले। और ऐसी परिस्थिति में आपको पता है कि जब ट्रांसफर पोस्टिंग होगा ही नहीं तो बैंक में जो अकाउंट है उसमें रुपये बढ़ेंगे नहीं, तो ऐसे में मंत्री बनकर फायदा क्या है? क्या जन कल्याण के लिए मंत्री बनना है क्या? बस ऐसी परिस्थिति में तो फिर कोई मंत्री नहीं बनना चाहेगा। विधायक बनो, अपने क्षेत्र में काम करो, फिर विधायक बनो या एमपी बन जाओ। मंत्री बनने के पीछे कारण होना चाहिए, कुछ विभाग से कोई ना कोई फायदा ऊपर या नीचे से होना चाहिए। इस मामले में नीतीश कुमार ने जिस तरह से अपनी नकेल कस दी है, भाजपा के नेता और जो बिहार के मंत्री हैं वो भी बड़े बेचैन हैं, उनकी बेचैनी भी साफ तौर पर दिख जाती है। लेकिन उम्मीद ये है कि भाजपा फिर से सत्ता में आएगी तो इस बार अपना मुख्यमंत्री दे देगी और नीतीश कुमार को साइड कर देगी। लेकिन क्या श्याम रजक के पास फिर से ऐसे रास्ते मिलेंगे? क्या श्याम रजक फिर से मुख्यमंत्री बिहार में बन पाएंगे? इन सभी पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि पोस्ट पोल अलायंसेस में किसके साथ कौन जाएगा ये अब एकदम स्पष्ट नजर नहीं आ रहा है। एक बात जो समझ में आ रही है वो ये है कि जो मूल स्वरूप है महागठबंधन का और एनडीए का, ये मूल स्वरूप चुनाव के बाद नहीं रहेगा। ऐसी परिस्थिति में कई नेताओं को अपने सीट की भी चिंता हो रही है, वहीं अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर भी बहुत डर लग रहा है। उनमें से एक है श्याम रजक। आपको बताते हैं, मांझी जी महागठबंधन में संतुष्ट है, वो पहुंच रहे हैं एनडीए में, ये लगभग तय हो गया है। उनका विलय होगा जदयू में, ये लगभग तय लग रहा है। केवल मांझी जी इस कारण से रुके हुए हैं कि कहीं अगर ऊंट दूसरे करवट बैठता दिखे, यानी महागठबंधन का सिक्का अगर भारी लगे तो कम सीटों पर भी मानकर वो महागठबंधन की तरफ चले जाए, या तीसरे मोर्चे का डर दिखाकर महागठबंधन पे अपना बात मनवा लें। लेकिन एक बात स्पष्ट नजर आ रही है कि मांझी जी जदयू में विलय करके नीतीश कुमार के साथ हो जाएंगे। ऐसी परिस्थिति में मांझी जी के आने पर इस पार्टी में सबसे बड़ा जो दलित चेहरा होगा वो मांझी खुद हो जाएंगे। ऐसे में अशोक चौधरी हो या श्याम रजक, इन सभी की चिंताएं लाजमी हैं। अब देखिए ना, अशोक चौधरी को जिन्हें सर आंखों पर बिठाकर नीतीश कुमार ने रखा था, आज उन्हें फिर दूध में पड़ी मक्खी की तरह बाहर फेंक रखा है और एक मंत्रालय देकर उन्हें सेटल कर दिया गया है। एमएलसी बनाने तक की बात नीतीश कुमार नहीं कर रहे हैं, अब कह रहे हैं कि अशोक चौधरी को चुनाव लड़ना पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति में अशोक चौधरी का कितना बड़ा जनाधार है, कितनी बार वो चुनाव लड़े हैं, ये सारी बातें तो हमने आपको पहले बताई हैं, इसलिए मैं इसमें नहीं पढ़ूंगा। लेकिन एक बात तो स्पष्ट समझ में आ रहा है कि नीतीश कुमार एक बड़ा दलित कार्ड खेलने जा रहे हैं, जिसको लेकर इनकी ही पार्टी के दलित नेता जो पुराने हैं उनमें बेचैनी बढ़ गई है। श्याम रजक को पता है कि जैसे 2015 में उन्हें साइडलाइन कर दिया गया था, उसी तरह से उन्हें फिर साइडलाइन कर दिया जाएगा अगर नीतीश कुमार का कुछ भी समीकरण गड़बड़ाता है भाजपा के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस कड़ी में आपको एक और दलित नेता की मैं नाम ले लूं, चिराग पासवान। चिराग पासवान नीतीश कुमार से एक और दलित चेहरा जो कि काफी खफा है। इन्हें भी पता है कि चिराग की कहीं ना कहीं जो सीटें काटी जाएंगी वो मांझी जी के एंट्री के नाम पर ही काटी जाएंगी। नीतीश कुमार भाजपा पर प्रेशर बनाएंगे कि मांझी जी को मैंने अपने साथ रख लिया है, उनकी पार्टी को अपने साथ कर लिया है, मेरी सीटें बढ़ाकर दीजिए। और ये बात उन्हें भी पता चल गया है चिराग पासवान को कि उनके बदले एक और दलित चेहरा यहां पर मौजूद करा दिया गया है और उसके नाम पर कंधे पर बंदूक रखकर चिराग पासवान का विकेट गिराया जा सकता है एनडीए से। और ये बात भाजपा भी समझ रही है, इसीलिए कहीं ना कहीं ये तीन दलित चेहरे या तीन क्या, मैं तो और भी चेहरे गिरा सकता हूं, लेकिन फिलहाल ऑन स्क्रीन जो सामने आपके दिख रहा है ये तीन चेहरे, श्याम रजक हो, अशोक चौधरी हो, चिराग पासवान हो, ये सब एक ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जहां से नीतीश कुमार के प्रति बहुत ज्यादा इनका प्रेम और स्नेह बच नहीं रहा है। नीतीश कुमार ने सभी को ऐसे दुराहे पर खड़ा कर दिया है जहां से इनकी राजनीति भी समाप्त हो सकती है और इनका घाटा होना तो लगभग तय है। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि मांझी जी को लेकर नीतीश कुमार ने एक नई रणनीति बना दी है जिसमें वो अपने साथ दलितों का एक चेहरा रखेंगे ताकि तेजस्वी यादव के जो दलित वोट बैंक है उसमें भी सेंधमारी वो कर सकें। तो आपने समझ लिया कि आखिर क्यों
नीतीश कुमार को इतना बड़ा घाटा हो रहा है, किस कारण से उनके दलित नेता नाराज हो रहे हैं। लिस्ट तो बहुत लंबी है, और भी नाम गिना सकता हूं जो दलित नेता नीतीश कुमार से उनकी पार्टी के नाराज है। आपको पता होगा कुछ दिनों पहले एक विधायक है नीतीश कुमार के राजगीर के, रवि ज्योति, उन्होंने भी फेसबुक पर लिख दिया था कि बहुत बड़े जातिवादी पार्टी में वो आ गए हैं। खैर बाद में उन्होंने उस बात से पल्ला झाड़ा था। लेकिन आप एक बात समझ लीजिए, जो बातें मैं कह रहा हूँ आपको आदत डाल लेनी चाहिए उन बातों को मान लेने की, क्योंकि आने वाले 2-3 दिनों में या एक हफ्ते में वो बातें सत्य हो जाती हैं। एक और भविष्यवाणी भारत लाइव में आज हुई है, आप अपने रिस्क पर इसे सत्य या असत्य मान सकते हैं। धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।